सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चल सा फाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। Badhai is performed to thank Goddess Shitala Devi for safeguarding people from natural calamities and elements, and to seek her blessings on happy occasions. It's also a very happy occasion, so let's celebrate. Bye.
ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम तपो भूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आराध्या अग्रवाल है और मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। तो आज का हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण। तो आइए जानते हैं मेरी मिस सुदीशा से कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। हाँ आराध्या, जरूर मैं बताती हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। हमारे वातावरण में दूषक पदार्थों के मिलने से प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई है, प्रदूषण भी उसके साथ साथ बढ़ता गया है। क्यों दुहिता, तुम क्या कहती हो? हाँ सुधीशना, पहले पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि पहले दुनिया में जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई वैसे ही पर्यावरण प्रदूषण की वृद्धि भी हुई। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण को 4 भागों में बांटा गया। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा भूमि प्रदूषण। आइए जानते हैं आराध्या से वायु प्रदूषण क्या होता है। थैंक यू दुहिता, मैं बताती हूँ कि वायु प्रदूषण क्या होता है। अगर हम बात करें शुद्ध हवा की, तो हमारी शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस शामिल होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर इसके अलावा कोई और दूसरी चीजें हमारी वायु में मिल जाएंगी तो हमारे लिए और हमारी पूरी प्रकृति के लिए हानिकारक होती हैं। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। बरी, अब तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ राधा, तुमने वायु प्रदूषण के बारे में तो बता दिया, अब मैं जल प्रदूषण के बारे में बताती हूँ। जब कोई भी गंदी चीज या गंदे पदार्थ हमारे पानी में घुल जाते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। कल कारखानों का कूड़ा कचरा, हानिकारक रसायन, शहर की गंदगी व नालों को नदियों में जोड़ने से, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से, वित्तीय जीव जंतु व मनुष्यों के शव अथवा उनके अवशेषों को नदियों में फेंकने से जल प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल में अनेक बीमारियां भी पैदा होती हैं। अरे अरे, अब मुझे भी तो कुछ कहने दो। मैं जल्दी आपको भूमि प्रदूषण के बारे में बताता हूँ। शहर की गंदगी तथा कूड़ा करकट को खुला में फेंकने, कल कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ वो रासायनिक को भूमि पर फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव से मृदा उपजाऊ नहीं रह जाती है, जिससे कृषि का उत्पादन घट जाता है तथा फसल में खनिज एवं पोषक तत्व
ध्वनि प्रदूषण क्या है मैं बताती हूँ। वाहनों, मशीनों, जनरेटरों, वाद्य यंत्रों, लाउडस्पीकर, विमान इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 75 डेसिमल के ऊपर शोर होने से बहरापन, पागलपन, चिड़चिड़ापन के लक्षण पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, हम सब ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ जाना। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। We have prepared literary calendar by marking the birth dates of various writers, poets, along with their famous work. We have also prepared our first dictionary A to Z. Prepare book jacketing too. Wrote our special qualities. We have created some adorable bookmark. And acted like a famous sports personality and talk about their biggest achievement. Let's see the glimpse. Hi everyone, I am Jagdish Prasad Das from Bagmati Public School studying in class 3. Today I am here as the brilliant Indian cricket player Virat Kohli. Dressed up like an author, poet and recited their poem. Let's see the glimpse. I am Ayan Pathak from class 4. Today I am going to recite a poem by my favorite writer Ruskin Bond, and the poem is These Simple Things. These simple things in the life are the best: a patch of green, a small bird's nest. Perform various activities. Learning is really fun. Recite various mantra too. Narrated stories too. Let's see. We also dress up like professional. We want to become in future. I want to become a doctor in my life, because in this COVID-19 pandemic, I feel the pain of people. And explain various concepts using props and puppets. I hope you enjoy from these fun learning activities.